अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट कि आप सब ठीक होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019 2019, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली अ सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट आर्गू इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये मैंने सिंपल सी एक आउटलाइन टाइप इसको ये लिखा है, बहुत सिंपल सा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये पहले पहल होता था आज से 5 6 साल पहले के सीएसएस के जो क्वेश्चंस होते थे वो थ्योरी रिलेटेड होते थे, या पहले इतने पेचीदा नहीं थे, इतना ज़्यादा एनालिटिक आपको रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। मगर अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पेचीदा कर दिया है। जब आप उसमें अपनी राय देंगे, यानी कि उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, देन आपको उस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, वो जो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप, वो बिल्कुल उसी अप्रोच और उसी पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ये ना हो कि वो पूछे सवाल गंदम और जवाब में आप चना लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली या सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट का जो मजमूआ है वही पब्लिक इंटरेस्ट है। तो इस चीजों के लिए हम इन दोनों की डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। देखिए मैं लिखा, आर्गू इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जॉन रॉल्स की थ्योरी कौन सी। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जॉन रॉल्स की थ्योरियां कौन कौन सी हैं। कौन तो मैं आपको बताता चलूं, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बहुत मशहूर थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। पहले पहल की तरह ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जॉन रॉल्स की एक थ्योरी के ऊपर ही आपको कमेंट करने को कहा, नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो, ये खास तौर पर ये वाली जो लाइन है, ये इसकी इनकी बुक्स में, इसकी राइटिंग्स में और इसके ऊपर जो तबसरा वगैरह हुआ, कमेंट्री, कहीं पर भी ये चीज़ का कहीं भी मैंने जिक्र नहीं पढ़ा। मेरे पास इनकी बुक्स पड़ी हुई हैं, रिकमेंडेड बुक्स जो हैं इनकी, रीडिंग बुक, उनमें भी मैंने देखा। उसके अलावा हर जगह मैंने तलाश की, कहीं नहीं मिली। तो मुझे पता है ये कहीं भी नहीं थी। तो मैं आपको बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप इन चीज़ों को तलाश मत करिए, जस्ट एक स्टेटमेंट है। इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली अ समेशन, सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये प्राइवेट इंटरेस्ट के मजमूए का मजमूआ है, कह लेंगे बेसिकली। तो इन्होंने कहा कि इसको जॉन रॉल की थ्योरी की रोशनी में इसको डिस्कस करें, आर्गुमेंट करें इसके ऊपर। तो ये चीज़ को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप, मैंने इसको साबित कैसे करना, उन्होंने बकायदा इसका हवाला भी दिया कि आप जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जो है उसके मुताबिक डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। ये पिछली मेरी वीडियोज में मैं कई मरतबा इस चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ, प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आप देख लें। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, जो पूरी कम्युनिटी के लिए एक कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, यानी कि तमाम लोगों का एज अ होल जो इंटरेस्ट होता है, होल वेलफेयर के लिए जो भी इंतजाम होते हैं या जो उनकी सोशल सिक्योरिटी होती है, उसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कलेक्टिविटी तमाम कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इंटरेस्ट इज अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो फर्द वाहद का जो इंटरेस्ट हो, उसके अपने मफाद हो, फायदे हो, या उसकी अपनी सिक्योरिटी हो, या कोई प्राइवेट बिजनेस हो जाए, उसके भी प्राइवेट इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि जो कम्युनिटी के टोटल अफराद के फलाह बहबूद के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, इसको पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आती हैं वो चीज़ें। उसके बाद जो प्राइवेट बिजनेस के लिए, या कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसको कहा जाता है प्राइवेट इंटरेस्ट। तो ये हो गया इस सिंपल इंटरेस्ट ओनली सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट को आपने अप्रूव करना है, जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो पूरी कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट होता है, वो प्राइवेट इंटरेस्ट का मजमू होता है।
तो प्राइवेट इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट क्या खुद का है कि मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, मेरी लाइफ सिक्योर हो, मुझे आज़ादी हो, तो इस तरह के मेरे प्राइवेट इंटरेस्ट हैं जो कि टॉप प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और इस तरह कुछ और हकूक हैं। तो इन्हीं जो मेरे हकूक हैं, इन्हीं के लिए तो मैं सर्वाइव करूंगा, इन्हीं के लिए मैं डिस्कशन करूंगा, इसी के सिक्योर करने के लिए मुझे परेशानी होगी। तो तमाम कम्युनिटी के बिल्कुल तमाम लोगों को भी यही सिक्योरिटी उनकी होगी, तो तमाम मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस नतीजे में वो एक जो इंटरेस्ट होगा वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि तमाम लोग इस चीज़ पर एग्री करेंगे कि भाई हमें इन इन चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए, ये हमारे इंटरेस्ट हैं। तो इससे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है। सॉरी अगर आपके ये वर्ड न्यू है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी बहुत भी बैकग्राउंड है या थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो आपको मालूम होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसे कहा जाता है। तमाम सोसाइटी के मेम्बरान अपने मफाद के लिए, यानी अपने प्राइवेट, अपने फर्द वाहिद एज आ इंडिविजुअल, अपने से इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए तमाम अफराद मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं अपने हकूक, अपने राइट्स, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस थ्योरी के कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज़ होगी कि जो जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है वो प्राइवेट इंटरेस्ट का मजमूआ होता है, यानी कि प्राइवेट इंटरेस्ट जो तमाम लोगों के होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, या उन्हीं का मजमूआ होता है पब्लिक इंटरेस्ट। तो जॉन रॉल की सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस करती है। रॉल्स आर गुड दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स शुड बी द डिजायरेबल स्टेट ऑफ नेचर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग यूटिलिटेरियन फिलोसफीज। तो जो राल्स हैं ये अमेरिकन पॉलिटिकल फलोसफर हैं, बहुत ही कह लें मशहूर फलोसफर हैं वहाँ के, अमेरिका के। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो इन्होंने कहा कि ये जो यूटिलिटेरियन निज़म जो है ये एक फलोसफी है, ये भी पॉलिटिकल साइंस के तमाम चीज़ें आ रही हैं इसमें। यूटिलिटेरियन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कहा जाता है कि जो मेजोरिटी के जो मफाद होते हैं उसी के मुताबिक कानून बनने चाहिए, और उन्हीं की जो सिक्योरिटी है, उनकी उनके जो इंटरेस्ट हैं वही वही इम्पोर्टेंट है, वही उनकी हैप्पी है, वही उनकी खुशी है। तो इस स्कूल ऑफ थॉट को कहा जाता है यूटिलिटेरियन, जिसमें मेजोरिटी के मफाद को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन इसी को आगे मजीद चलते हुए या इसके अगेंस्ट जॉन रॉल जो हैं ये वाले, इन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की, इसको कहा कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इसमें उन्होंने ये कहा, ये देखिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस आर्ग्यू दैट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल राइट टू बेसिक लिबर्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एन इक्वल चांस एज अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि एक सोसाइटी में कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेजोरिटी को सिक्योर करते कुते करते करते कुछ माइनॉरिटी के साथ आप नाइंसाफी कर जाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तमाम लोग सोसाइटी में रहने वाले, एक कम्युनिटी में रहने वाले, वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, उनकी आज़ादी, उनके तमाम हकूक, और उनको कोई पोस्ट जिस तरह इंतज़ामिया में हो गई या कोई कोई भी राइट है उसमें बिल्कुल वो एक दूसरे के इक्वल है। तो उन्होंने कहा कि जब वो आपस में सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाते हैं, यानी कि आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें वो कह तो देते हैं कि भाई हमें एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल राइट्स देंगे। तो उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं तो वो तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो निगलेक्टेड पर्सनल मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के या माइनॉरिटीज़ होती हैं वो इसी तरह निगलेक्टेड रहते हैं। तो उसको उन्होंने एक और टर्म यूज़ की थी, उसको कहा था उन्होंने, चलें जो भी कहा था, तो उन्होंने कहा जब ये आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाते हैं
तो उसको कहा था व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन। तो उसमें जब इन चीजों को उन लोगों के साथ नाइंसाफी होती, हाँ उन्होंने जो वर्ड यूज किया था उसको कहा था द वेल ऑफ ब्लाइंडनेस। मैं इधर एक वर्ड यूज कर लिख देता हूँ, द वेल ऑफ ब्लाइंडनेस, वेल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि एक अंधे एक पर्दा है उनके उनके दरमियान, हाइल अंधेपन का, जो जिसकी वजह से उनको चीजें क्लियर नहीं। अच्छा मैं इसकी मिसाल आपको बिल्कुल सादा आसान लफ्जों में कहता, जिस तरह हमारे मुल्क में लोग कुछ देहात में रहने वाले या कुछ बैकवर्ड एरियाज में रहने वाले, तो आप देखते हैं कि उनको आप जाकर स्टडी करें, उनके इंटरव्यूज करें, तो उनसे क्वेश्चन करें, तो बिल्कुल आपको पर ये चीज़ वाजे हो जाएगी कि वो खुद को दूसरी एलीट क्लास से कमतर समझते हैं। वो समझते हैं कि जो टॉप पोजीशंस हैं, इंतजामिया में हो जाए, पॉलिटिक्स में हो जाए, या जुडिशरी में हो जाए, किसी भी इदारे में हो जाए, या कोई और तरक्की जो है, तो समझते हैं ये एलीट क्लास के लिए है और ये उन चीज़ों के लिए बने ही नहीं है। तो ये एक उनका पर्सपेक्टिव बन चुका है, इसको कहा है उन्होंने द वेल ऑफ ब्लाइंडनेस। ये वर्ड पहले मेरे माइंड में नहीं था, मैं भूल गया था। तो ये चीज़ भी अब तो इन्होंने कहा जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाते हैं तो तब भी इनका ये जो इनका जो माइंड है वो इसी चीज़ पर रहता है। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रांग होते हैं, जो वेल्थी होते हैं लोग, जो ज़्यादा जिनके पास आसाइशें होती हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, बल्कि मजबूत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं वो लोग, और ये जो इग्नोर्ड पर्सन होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, ब्लाइंडनेस में रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि द टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो ये जो जस्टिस थ्योरी है उसमें उन्होंने कहा कि ये टू प्रिंसिपल होने चाहिए जिससे हम जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। पहला है अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, कि सिर्फ कहना ही नहीं है, असल में आपने ऐसा करना है कि इन तमाम लोगों को एक दूसरे के इक्वल लाना है, उसके लिए इकदाम करने हैं, सिर्फ जुबानी नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, बल्कि इसके लिए आपने इकदाम उठाने हैं। और वो जो इग्नोर्ड पर्सन हैं, जो अंडर द वेल ऑफ ब्लाइंडनेस रह रहे हैं, उन लोगों को आपने इक्वल लिबर्टी देनी है और इक्वल उनके को तमाम किस्म की आज़ादियाँ देनी है, ताकि किसी किस्म की रुकावट ना रह जाए उनके बराबर आने में। अगर कोई उनके दौलत के लिहाज से या कोई और उनके बैकवर्ड एरिया के लिहाज से जो जो रुकावटें, उनको आपने दूर करना है, ताकि वो अगर जो रुकावटें दूर हो जाएंगी, जब फॉर एग्जांपल आप उनको एजुकेशन उनकी अच्छी मजीद करें, ठीक, क्योंकि एलीट क्लास जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास, वो उनकी ऑलरेडी है, तो इस तरह जो बैकवर्ड एरियाज में है उनको उनकी एजुकेशन को बेहतर करें, उनके लिए रोजगार के मौके बेहतर करें, उनके लिए आप डेवलपमेंट के जो ज़्यादा काम करें, और उनको कह लें कि रिसोर्सेज में भी ज़्यादा हिस्सा दें। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी में उन्होंने ये कहा कि आप उनको कोई जॉब में अगर जो टॉप पोजीशंस हैं वो इसमें नहीं आते, तो इस चीज़ इन चीज़ों में भी उनको लाया जाए। तो ये इनके दो टू प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, के बिल्कुल उनको इक्वल की कहा जाए। तो इससे हम क्या करेंगे, हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को अचीव कर लेंगे। अच्छा चलें दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इज पब्लिक इंटरेस्ट ओनली अ सिंपल समेशन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट आर्गू इन द लाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स, कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्राइवेट इंटरेस्ट का मजमुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है तमाम कम्युनिटी का फायदा, तो इसका जो प्राइवेट जो फर्द वाहिद का जो फायदा होता है या उसके जो वेलफेयर होते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो तमाम लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इकट्ठा कर दिया जाए, या उनकी जो मेजर जो इंटरेस्ट है उनको उनका एग्रीगेट निकाला जाए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक हो गया, ये आपका सिंपल आंसर है। तो आपने इस चीज़ को जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ लेकर चलना है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा आपको पता ही ना हो कि भाई जॉन रॉल्स की थ्योरी है क्या, अगर ये पता चल जाए कि भाई हाँ वो उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है,
तो उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या। ठीक हो गया, तो आपने इस तरह थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर चलना है कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट है ये ना हो कि वो मेजोरिटी का प्राइवेट इंटरेस्ट, नहीं, वो तमाम कम्युनिटी के पर्सन का इक्वल इंटरेस्ट होगा, तो इसी को पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।